देवभूमि के खास प्रोग्राम पूछता है उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मारूफ रजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और जहां राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सरकार की फजीहत करा रहे हैं। दरअसल ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच सड़क पर युवक के साथ हुई हाथापाई और उसके बाद वायरल हुए वीडियो ने सरकार की फजीहत करा दी है। मारपीट का वीडियो वायरल होते ही राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रेमचंद अग्रवाल का प्रदेश भर में पुतला फूंका है, साथ ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग मुख्यमंत्री से की है। वहीं सीएम धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मंत्री के हाथों मार खाए युवक यानी सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्यों हंगामा बरपा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद अग्रवाल लगातार अपनी हरकतों से सरकार और संगठन की फजीहत करा रहे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब अपनी ही विधानसभा में 20 सड़क युवक के साथ मारपीट मामले में सुर्खियों में हैं। दरअसल ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की 20 सड़क पर युवक के साथ हाथापाई हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मंत्री के हाथों मार खाए युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं जहां पे खड़ा हूं इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहां डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था, और मेरी गाड़ी जब वहां से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है लेकिन लोग उसे ब्लैक मिलर कहते हैं। ये जो प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कि विधायक हैं ऋषिकेश से, साथ ही वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय संसदीय मंत्री भी हैं, शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनका ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ऋषिकेश में सड़क पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो वायरल होते ही राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रेमचंद अग्रवाल का प्रदेश भर में पुतला फूंका है, साथ ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग मुख्यमंत्री से की है। बता दें कि वीडियो में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सुरेंद्र सिंह नेगी पर थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद उनका गनर भी हाथापाई करने के बाद लात मारते हुए दिख रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने प्रेमचंद अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रेमचंद वाला प्रकरण जिसने राष्ट्रीय पटल पर हमारी जबरदस्त किरकिरी करा दी है, उस प्रकरण में मंत्री के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है। जब पीड़ित पक्ष यानी कि सुरेंद्र सिंह नेगी, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा मंत्री के द्वारा करा दिया गया है, वो क्रॉस FIR करने गए, तो मंत्री के PRO और मंत्री के गनर पर तो मुकदमा है, लेकिन मंत्री को साफ सरकार बचा ले गई है। पुलिस प्रशासन ने अज्ञात के खिलाफ यहाँ भी मुकदमा दर्ज किया है। इस केस की जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, और हमारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस घटना के DGP को जांच के निर्देश दिए गए हैं, और इस जांच में जो भी दोषी पाए जाए, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जी की FIR तो निकली और अभी हमें फिलहाल छोड़ रखा है, तो हमें अभी फिलहाल जो है भाई कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सामाजिकता के नाते या किसी भी आधार पर जो व्यवस्था बनी हुई है तो पूरा विश्वास है, फिलहाल हमने जो है डाल रखा है और उसमें जो है शाम तक। कुल मिलाकर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से राज्य के विकास के लिए मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके ही मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल लगातार सरकार की फजीहत करा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सीएम धामी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई करेंगे, क्या प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री रहते हुए जांच निष्पक्ष हो पाएगी। बात कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, लेकिन कैबिनेट मंत्री का जो व्यवहार है वो ख़ास तौर से पब्लिकली ऐसा नहीं होना चाहिए था। सहनशीलता का वहाँ पर प्रदर्शन होना चाहिए था,
गवर्नर उनके साथ था, सरकार उनकी थी, शासन प्रशासन उनका था, उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन खुद मैन हैंडलिंग करना ये कहाँ तक जायज़ है, ये बड़ा सवाल है। इस पर कई लोग मेरे से जुड़ेंगे। आइए देखते हैं उस ट्वीट को आखिर किस तरीके से वो सामने आया है, आइए देखते हैं। ये देखिए वो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से गनर पियारो और खुद मंत्री जी जो हैं वो सुरेंद्र सिंह नेगी नाम का जो व्यक्ति है उसको बीच चौराहे पीट रहे। बात कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उस व्यक्ति की गलती भी हो, लेकिन सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को एक जिम्मेदार समझा जाता है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी सहनशीलता का उदाहरण देगा, वो कानून के दायरे में रह के काम करेगा। और आप ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गली मोहल्ले के लोग लड़ रहे हों। और जो तीसरी आंख है कैमरे की उसमें सब कुछ एक कैद हो गया। अब ये देखें सर्कल में देखें दो गनर खुद मंत्री जी और दूसरी तरफ जो है व्यक्ति सुरेंद्र सिंह नेगी जिसकी पटाई हुई। चलिए इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हैं काजोल नारायण और देहरादून से मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी। सुनीता जी पहली बात तो जिस तरीके की ये तस्वीरें दिख रही हैं, फुटेज दिख रही है, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? जी राजा जी देखिए जो भी मामला कल हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि किसी को भी चाहे वो कार्यकर्ता है या स्थानीय लोग हैं या जनप्रतिनिधि है किसी को भी इस तरीके के जो कृत्य है वो नहीं करने चाहिए। और साफ तरीके से यहाँ पे जिस प्रकार से जो व्यक्ति है उनके द्वारा सबसे पहले जो शुरुआत की गई जो सूत्रों से पता चला है अभी तो वैसे जांच हो रही है दोनों की तरफ से जो है विवेचना दोनों मुद्दों में चल रही है क्योंकि जिन्होंने दोनों की तरफ से FIR हुई है तो SSP साहब का जो कहना है जिसमें साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने दोनों पक्षों के जो है FIR दर्ज की है और जो भी दोषी पाए गए उसके खिलाफ जो है हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से जांच करेगा और निष्पक्षता से उस पर जांच करके निर्णय लेगा क्योंकि किसी के भी द्वारा इस तरीके की जो व्यवहार है वो पब्लिकली और कहीं पे भी पब्लिकली हो पर्सनली हो नहीं होने चाहिए क्योंकि इनका जो मैसेज है वो किसी भी तरीके से सही नहीं जाता है। बिल्कुल सुनीता जी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसी भी गंभीर से गंभीर मुद्दे पर हम बड़ी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और खास करके एक व्यक्ति जो कि लोगों के द्वारा चुना हुआ हो मौजूदा सरकार में बहुत अहम पद पर हो कैबिनेट में मौजूद हो कोई भी बात हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि उस व्यक्ति ने ही शुरुआत की हो वो व्यक्ति ही गलत हो अब शब्द कहे हो कुछ भी हो सकता है लेकिन मंत्री जी का जो व्यवहार है वो भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। देखिए अब राजा जी जो एक्शन रिएक्शन है ऑन द स्पॉट वहाँ पे किस तरीके के हालात हुए किस तरीके की परिस्थितियां हुई वो तो जो वीडियो है वो भी दिखा रहा है। दूसरी बात वहाँ पे वीडियो में क्योंकि पूरे तरीके से सुनाई कुछ नहीं दे रहा है तो जिस प्रकार से विवेचना इस मामले पे चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो है कड़े निर्देश दिए हैं और सही तरीके से जो भी जांच होगी वो कोई भी किसी भी निर्दोष के साथ में गलत ना हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो लोग हो कोई भी हो जनता हो। लेकिन यहाँ पे जो बार बार इंडिकेट किया जा रहा है आप देखिए कि चाहे कैसे भी किसी के साथ रंजिश रही हो कोई भी चाहे गाली का प्रकरण हो लेकिन एक व्यक्ति जिनको चुना गया है जो जनता के जनप्रतिनिधि है अगर उनके ऊपर इस तरीके के हमले होते हैं जो एक बात है कि किसी भी तरीके से इसको मंजूर नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी हिम्मत किसी को नहीं होनी चाहिए चाहे वो किसी के साथ अगर गलत हुआ है उसके प्रोटोकॉल। लेकिन सुनीता जी वो तो अकेला व्यक्ति है। सुनीता जी आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं चीजों को समझते भी हैं वो अकेला व्यक्ति था और जिस तरीके से मैन हैंडलिंग की जा रही है मैंने पहले ही कहा हो सकता है वो व्यक्ति गलत हो आप शब्द कहे हो कोई भी बात हो सकती है लेकिन मंत्री जी एक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं
वो कानून के दायरे में रह करके उसके खिलाफ सारी चीज़ें कर सकते थे। ये बहुत ही भद्दा और बहुत अटपटा लग रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री जो है वो सड़क पे इस तरह हम हाथापाई कर रहा है। देखिए राजा जी, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कौन सा स्पॉट जो है एक्शन और रिएक्शन है, इस चीज की पूरे तह तक जांच की जाएगी। जो भी इसमें डिफॉल्टर है, जिनकी भी तरफ से गलती की गई है, उनको देखिए किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर कोई आम व्यक्ति भी है उनके साथ भी ऐसा क्यों हो, तो एक जनप्रतिनिधि के ऊपर अगर इस तरीके से चाहे कोई भी बात रही हो, अभी तो सूत्रों की यही पता चल रहा है कि वहाँ पे गाली गलौज हुई, वहाँ पे हाथापाई हुई, वहाँ पे नहीं, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ सुनीता जी, मैं तो बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि वो व्यक्ति गलत हो सकता है, असामाजिक हो सकता है, उसने अपशब्द कहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, प्रोवोक किया होगा, लेकिन मंत्री जी से इस तरीके की व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या मंत्री जी को ये लगा कि मैं मंत्री हूँ, मेरा ये ऑरा है, मेरी कहीं ना कहीं इमेज को डेंट किया जा रहा है, वो कहीं सत्ता की हनक तो नहीं इन पर हावी हो गई उस वक्त? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है राजा जी, एक्चुअली इस चीज को सत्ता की हलक ना कहें तो मैं, क्योंकि आप सब हम सब लोग समझदार हैं, मैंने कहा कि एक्शन रिएक्शन में किसी के भी मन में ऐसा नहीं होता है। आज तक हमने ऐसा कभी कोई ऐसा मसला नहीं देखा जहाँ पे इस तरीके से व्यवहार किया गया हो, लेकिन दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सभी को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जनता को भी हर तरीके से अधिकार है, लेकिन कहीं से अपनी भी गलती ना हो। और इस तरीके की दोनों की तरफ से जो है, मैं तो दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ कि दोनों पक्षों की तरफ से जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, और जांच चल रही है, जो भी जिसकी भी गलती होगी उनके लिए फिर एक्शन होगा। आप बने रहिए मेरे साथ सुनीता जी, आप मेरे साथ बने रहिए। काजोल के पास एक बार चलो, काजोल तीसरी आंख ने जो देखा वो हमने सबको दिखाया और वो छुपा नहीं है किसी भी तरीके से। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके की बातचीत हो सकती है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें देवभूमि से आ रही हैं, उत्तराखंड से आ रही हैं, ऋषिकेश से आ रही हैं, और जब चार धाम की यात्रा चल रही है ऐसे दौरान में इस तरीके की जो फुटेज है वो विचलित करती है कि आखिर जहाँ पर ठंडा प्रदेश है, नरम मिजाज के लोग पाए जाते हैं, वहां पे ऐसी गर्मा गर्मी, वो भी मंत्री और मंत्री के गनर और पीआरओ के जरिए, क्या लगता है क्या पूरा मामला है? बिल्कुल मालूम जी, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो कल ये वीडियो निकल कर सामने आया। सुरेश सिंह नेगी जो व्यक्ति है जिसके पिता यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नजर आ रहे हैं, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल और उनके गनर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसी दौरान प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो शख्स है खुद को वो सोशल वर्कर बताता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो एक ब्लैक मिलर है। सवाल ये भी है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो है कैसे पता कि वो एक ब्लैक मिलर है। दूसरी बात ये है कि आपके पास दो दो गनर है, ठीक है, गलती सामने वाले की हो सकती है, गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन मामला आप तक सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी सुनीता जी इस पूरे मामले पर अपने आप को डिफेंड करती हुई नजर आती है, पार्टी को पूरी तरह से डिफेंड करेगी, कुछ भी ज्यादा बोलने से यहाँ पर बीजेपी बचती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल ये कि गनर तो आज छोड़ रहे हैं, लेकिन इतने संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और देवभूमि को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि ये ठंडा प्रदेश है, वहां पर गर्मी वाले लोग देखे जाते हैं, लेकिन इतनी गर्मी प्रेमचंद अग्रवाल के अंदर आ गई कि उन्होंने ना आव देखा ना ताव देखा, सिर्फ एक आम व्यक्ति की तरह सड़कों पर निकल आए हैं और एक एक करके थप्पड़ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भाजपा की छवि को धूमिल कर सकता है। देखिए हम देखें तो पिछले एक साल में 2022 से माननीय दोबारा से मुख्यमंत्री बने, तब से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अंशदा अपने कानून का या फिर उनके प्रत्याशी मामला हो, चाहे वो 2022 की झारखंड यात्रा हो, अभी झारखंड यात्रा चल रही है, अभी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तो ये विपक्ष को तो बैठे बैठा एक मौका मिल गया है घेरने का। और आज तस्वीरें भी हमें देखी है, हम लगातार दिखा भी रहे हैं किस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है प्रेमचंद अग्रवाल को। सवाल ये नहीं है कि सवाल ये है कि अपनी गरिमा, अपने पद की गरिमा प्रेमचंद अग्रवाल को होनी चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं, खुद वो उसी जगह से विधायक भी है। सवाल ये निकल के आते हैं मारू, अगर कितनी भी आप लीपा पोती कर लीजिए, कितना भी इसको डिफाइन करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो धूमिल हो रही है सभी वो हो चुकी है, भले ही कुछ सुनाई ना दे रहा, लेकिन लोगों ने देख लिया है, पूरे भारत ने देख लिया है, उत्तराखंड ने नहीं देखा। ठीक है, मेरे साथ
कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट भी जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी, क्या कहेंगे, ये पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मामले को लेकर के, जो सरे बाजार में दिखाई दी, सब फुटेज सामने है, ऐसे में कांग्रेस पुतला तो फूंक रही है, लेकिन सही मायनों में इस पूरे मामले पर उसका अपना क्या रवैया है? देखिए राजा साहब, जिस प्रकार से कल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जी केस में गली मोहल्ले के गुंडों की तरह जो है मार पिटाई करते हुए, गाली गलौज करते हुए नजर आए, उससे निश्चित तौर पर उत्तराखंड की छवि पूरे देश के अंदर धूमिल हुई है। और राज्य के अंदर अगर एक कैबिनेट मंत्री इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आम आदमी के बीच में जाकर के उसके साथ मार पिटाई करेंगे, तो आप बताइए, निश्चित तौर पर कोई उत्तराखंड की एक अच्छी तस्वीर तो देश विदेश में नहीं बनेगी। और ये पहला वाक्य है उत्तराखंड की राजनीति, जब मैं देख रहा हूँ कि काबीना मंत्री लगातार इस प्रकार के कृत्यों के लिए चर्चित हो रहे हैं। पहले भी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष रहते और अपने पुत्र को जो है रसूख के चलते उपनंद के माध्यम से जल संस्थान में नौकरी लगवा चुके हैं। और 2019 में केंद्रीय जनशक्ति मंत्री के कार्यक्रम में अपनी एक दायित्वधारी के साथ जो इनका जो नूरा कुश्ती का एक वीडियो वायरल हो चुका है, जहां पर इसी प्रकार की अभद्रता हो रही थी। तो देखिए है, और उसके बाद भी मंत्रिमंडल में लगातार बने हुए हैं, राज्य की जनता में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी तो निश्चित तौर पर देखिए, इस प्रकार की अराजकता को हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी भले ही कर ले, भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों उनको जो है संजो के रखी हुई है। एक प्रकरण हो, बैकडोर भर्ती के लिए आप पहले से ही चर्चित है राज्य के अंदर, तभी इनके इस्तीफे की मांग प्रबलता से प्रदेश में उठी थी, लेकिन इन्होंने अनसुना कर दिया था। अब मंत्री देखिए गली मोहल्ले के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुषमा जी, बीजेपी कह रही है कि मुकदमा दर्ज करा लिया गया है और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है वो सख्त निर्देश दिए हैं। राजा साहब देखिए, बड़ी हास्यास्पद चीज बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई हुई है। कौन सी सख्त कार्रवाई हुई है वो मेरी समझ में नहीं आ रही है। जो FIR दर्ज हुई है उसमें जो संगीन धाराएं लगी हैं वो उस पीड़ित पर लगी हैं जिसके साथ मंत्री जी मार पिटाई अभद्रता कर रहे हैं। और जो मंत्री के पर FIR दर्ज होने की बात कही जा रही है उसमें केवल मंत्री के गनर और जो उनके PRO हैं बिजुलवान, उस पर हल्की धाराओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं और मंत्री का नाम अज्ञात में शामिल कर दिया गया है। वीडियो में मंत्री खुलेआम मार अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो है स्पष्ट तौर पर बाय नेम जो है FIR दर्ज न होना, संगीन धाराओं में दर्ज न होना, मंत्रिमंडल से अभी तक बर्खास्त न किया जाना, ये मामले प्रदेश की जनता को और विपक्ष को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या रसूख है इन मंत्री का उत्तराखंड सरकार में? ये मुख्यमंत्री क्यों इतने दबाव में है इनके कि इनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं ली जाती? जब आप जनता के साथ मारपिटाई करने पर उतारे हो गए उसके बाद भी नहीं, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और ये पहला प्रकरण नहीं है राजा साहब राज्य में, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लगभग 5-6 पार्षद झारखंड में जो है एक प्रवीण भारद्वाज नाम के व्यवसायी है उनके घर में जाके मार पिटाई करते हैं, उनके बच्चों के साथ, उनकी पत्नी के साथ अभद्रता केवल इसलिए करते हैं कि उस व्यक्ति ने जो है जो ये जमीन कब्जाने का, सोसाइटी की जमीन कब्जाने का इनके पार्षद प्रयास कर रहे थे उसका विरोध कर रहे थे, MDDA में शिकायतें की थी, नगर निगम में तो उसे बौखला गए थे। तो ये अब पहले पार्षद मार पिटाई कर रहे थे, अन्य नेता कर रहे थे, अब तो कैबिनेट मंत्री खुद मार पिटाई करते हुए सड़क पर उतर रहे हैं, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और प्रदेश की छवि। एक बार सुनीता जी को दोबारा से ले लेता हूं चर्चा में, बने रहे आपके साथ। सुनीता जी अगर मेरे साथ बनी हुई है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई मामले सामने आए हैं, लेकिन ये देखा गया है कि सत्ता में या सरकार में या यूं कहूं कि जो इस लेवल पे लोग बैठे हुए होते हैं वो चीजें कर जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाए बड़ा मुश्किल है। दिल्ली का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है, सारे जो पहलवान हैं जंतर मंतर पर इतने दिनों से बैठे हैं, जब तक के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है अपना मामला नहीं कर दिया तब तक कोई बात आगे पीछे से नहीं हो पाई, हालांकि अभी भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। यही मामला अभी दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में। सुनीता जी क्या कहें, पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं लेकिन यहाँ पर मंत्री जी का नाम ही उस FIR से नदारद है। देखिए राजा जी, कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है। कांग्रेस के जमाने की मुझे बात याद है, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मसला हुआ था तो इनसे हरीश रावत ने बोला था कि वहां की 2-4 औरतें जब नपेंगी तो सारी नेतागिरी निकल जाएगी। आज वही महिलाएं उनसे रोज सवाल जवाब करती हैं और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को कि ये उल्टा सीधा जो अपना यहाँ पे उदाहरण पेश करते हैं
यहाँ पे मैंने साफ तरीके से अपनी सरकार का जो तर्क है वो सामने रखा है। तो डिफॉल्ट जो भी जितनी भी गलती की होगी उसको उसके मुताबिक जो है धाराएं लगेंगी, उसके ऊपर मुकदमे होंगे, उसकी कार्यवाही जो है कानूनी कार्यवाही की जाएगी, वो कोई भी हो। और दूसरी बात, जंतर मंतर की आपने बात की, जंतर मंतर में क्या मसला है वो सबके सामने है, वो अभी जैसा भी चल रहा है सभी उनकी जो चीजें हैं वो प्रोसेस में है। उत्तराखंड में जो ये मैंने कहा कि एक्शन रिएक्शन है, कोई भी व्यक्ति है, हम सब ह्यूमन बीइंग है, और अगर कोई अचानक से आके एकदम से लड़ाई झगड़े वाला माहौल वहां पे बनाता है, छीना झपटी करता है, मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ, ऐसा उसके साथ भी हुआ होता तो भी तो गलत है ना भाई। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आप लोग सीधा मारा पीटी पे आ जाए, आपने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, आपको किसने राइट दे दिए। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि पहले भी बताया, आज तक उत्तराखंड में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और एक्शन रिएक्शन मैंने बात जैसे पहले आप बने रहिए मेरे साथ। आइए एक बार वो सफाई सुन लेते हैं पूरी, कि आखिर इस पूरे मामले के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। आइए सुनते एक बार। बरग मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था, और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूंकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है लेकिन लोग उसे ब्लैक मिलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में, और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षाकर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक, उसने समझा तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये फटा है मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये कुर्ता ये फटा हुआ देखिए। और उसके बाद मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, पाए दौरों ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी गई, मतलब खुलेआम गुंडा कर दी, और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा, उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उससे मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है, एक गुंडागर्दी हुई है, और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ, जितने भी कोई काम होते हैं उसमें वो सबसे पहले वो सोशल मीडिया में, क्योंकि कुछ लोगों का एक धंधा बन गया है वो काम करना, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना, ये लगातार इसकी शिकायतें तो मेरे पे आती, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, और मैं तो इसे बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में समझता रहा कि भाई चलिए अच्छा अपना अच्छा काम करता है। मुझे याद है एक बार सड़क के बारे में इसने कहा था, मैं 5 मिनट के अंदर उस सड़क पर पहुंचा था जहां पर इसने शिकायत की थी, और लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है। फिर मैं मुझे घर पर जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं अब आपके सामने। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सफाई दे रहे हैं लेकिन साथ साथ विरोधाभास भी है, एक तरफ वो इसको असामाजिक तत्व कहते हैं, ब्लैकमेलर कहते हैं, फिर कहते हैं मैं इसको अच्छा कार्यकर्ता समझता हूँ। जिस कुर्ते को दिखा रहे हैं कुर्ता कहीं से फटा हुआ दिखाई दे नहीं रहा, हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कुर्ता दिखाए फटा हुआ, लेकिन फटा हुआ कहीं दिखता नहीं है। ठीक है, मंत्री है, मंत्री की अपनी एक हनक होती है, अपना एक ऑरा होता है, जाहिर सी बात है कि वहाँ कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई भी मैन हैंडलिंग करेगा तो मंत्री को लगेगा साहब मैं तो मंत्री पद पर हूँ, ऐसे किसी की कैसी हिम्मत हो सकती है कि मुझ पर हमला कर दे या गालियां बक दे। काजोल क्या लगता है, कहीं ना कहीं वहां पर ईगो क्लैश करी? बिल्कुल, अगर हम तस्वीरों को देखें और प्रेमचंद अग्रवाल को हम सुने और जिस तरह से वो बाइक में तोड़ रहे थे उनको सुनकर ऐसे लगता है कि ईगो का ही पूरा मामला है, क्योंकि पहले वो उसे असामाजिक तत्व बता रहे हैं, फिर कहते हैं कि वो एक ब्लैक प्लेयर है, फिर कहते हैं कि नहीं एक सोशल वर्कर है, मैंने इसको देखा है, इसकी शिकायत हुई थी, मैं वहां पे पहुंचा, मैंने इसकी मदद भी की, लेकिन हमें पूरी तरह से गुंडाई पर उतारू हो चुका है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, यानी कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल पहले से ही शख्स को जानते थे, और जिस तरह से उन्होंने वो कुर्ता दिखाया वो कहीं से भी फटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि एक और आरोप उन्होंने ये लगा दिया
कि मेरे कुर्ते से सामान गायब हुआ है, गिर गया है, चोरी कर लिया गया है। तो यानी कोई मोजरी से जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, कोई व्यक्ति उतरेगा, वो प्रेमचंद अग्रवाल पर सीधे हाथ साफ करेगा, सामान गायब करेगा और फिर वहां पर कुंडली दिखाएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि चले ठीक है, बदतमीजी की उस शख्स ने और आपके जो कलर है उसके साथ भी बदतमीजी की, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर है, लोग आपको एक अच्छी शक्ति के साथ जानते हैं, आपको मानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, आप वहां पहुंच रहे, आप हाथ उठा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गरिमा खत्म हो रही है। दूसरा सवाल ये है कि सरकार काजोल, एक बार मैं रोकना चाहूंगा, एक बार पीड़ित को सुन लेते हैं आखिर उसने क्या कहा। देखिए कल की जो घटना है, इस घटना में तो मैं सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही कह पाऊंगा कि भाई एक सडनली कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कहां तक हुआ, किस हद तक हुआ, किस प्रकार से हुआ, मैंने अपने एफआईआर में देखा है और एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल रखा है। अभी पुलिस ने जो है इनके मंत्री जी की एफआईआर तो लिख ली और अभी हमें फिलहाल छोड़ रखा है, तो हमें अभी फिलहाल जो है भाई कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सामाजिकता के नाते या किसी भी आधार पर जो व्यवस्था बनी हुई है तो पूरा विश्वास है। फिलहाल हमने जो है डाल रखा है और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करने की शाम तक के लिए उन्होंने कह रखा है मुझे, और उम्मीद है कि विवेचना में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बाकी समाज सब कुछ देख रहा है, कुछ कहने का करने की तो मुझे आवश्यकता है नहीं। बाकी समय की किल्लत है, वरना इस मुद्दे पर और बात हो सकती थी। काजोल बहुत शुक्रिया आपका, सुनीता जी आपका और शीर्षवाल बिस्ट जी आपका। लेकिन दिक्कत यह है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को अगर आप उंगली भी उठाएंगे, उनके खिलाफ एक कलम भी लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको दर्द होता है, चोट होती है, तकलीफ पहुंचती है और वो सोचते हैं कि आखिर किसी की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे खिलाफ कोई बोल सकता है, हमें कुछ कह सकता है या हमारे खिलाफ कुछ लिख सकता है। लेकिन ये जनता है, जिस जनता ने आपको सर पर बिठाया वो जनता ही जमीन भी दिखा देती है। ज़रूरत इस बात की है कि आप बिल्कुल एक सभ्य नागरिक की तरह व्यवहार करिए, तभी आप जनता में भी रहेंगे और जनता के सरों पर भी रहेंगे। फिलहाल इतना ही, कल एक नए मुद्दे के साथ कुछ नए मेहमानों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। धन्यवाद।